हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। टाइटल पढ़कर आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बताएं आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन है। तो पहले तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और मेरा जो छोटा बेबी हुआ है उसकी मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है कि कितने टाइम तक मुझे पेन रहा और मैं क्या क्या करती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। बट आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी बताऊंगी कि मुझे पेन कब हुआ और मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, क्या था सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो चाय कॉफी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती ना तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये पेन मैं सह पाऊंगी, कहीं मैं ना सह पाई, चक्कर आ गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती जो कि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता नहीं होती। मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था तो मुझे कुछ नहीं पता था और उस टाइम पे नेट भी बहुत कम लोग रिचार्ज कराते थे, यानी कि मेरे पास जो फोन था ना एंड्रॉयड था भी नहीं। तो मुझे बहुत सारी बातें थी कि मैं अपने घर में भाभी से पूछती थी या मम्मी से थोड़ा बहुत पूछती थी, कई ऐसी बातें थी जो शर्म के मारे पूछी भी नहीं जाती है ना, तो डॉक्टर से भी खुल के हम बात नहीं कर पाते। तो ऐसी सारी बातें थी जो कि मुझे नहीं पता थी और जब मैं लेबर रूम में गई तो मैं लेबर रूम को देखकर एक बार डर गई। तो ऑब्वियसली बात है, जब पहली बार अपन लेबर रूम में जाते हो तो ना लेबर रूम का जो पूरा क्राइटेरिया है ना उसको देख के बंदा डर ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मैं भी डर गई थी। बट जब आप पेन में होते हो तो उस टाइम पे ये होता है कि बस जल्दी से बेबी हो जाए, क्योंकि हम उस टाइम पे तो फंस चुके होते हैं, उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पे सिर्फ भगवान ही याद आता है और कहीं ना कहीं हमें हेल्प की जरूरत होती है अपने हस्बैंड की, क्योंकि एक वही होते हैं सपोर्ट में कि जो हमें समझ सकते हैं, उस पेन से हमें रिलीफ दिला सकते हैं। ऐसा लगता है कि इतना पेन में हम हैं और साथ में अगर हम सफर का साथ हो तो वो पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक माँ का पेन होता है ना जब लेबर पेन आते हैं तो उस टाइम पे हस्बैंड भी वो पेन देख के एक पल को डर जाते हैं, क्योंकि वो पेन ही इस तरीके का होता है। तो आपको पहली बात तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज से आप डर गए तो समझो मर गए। तो उस चीज को देख के आपने डरना नहीं है, पेन आता है तो उसको अच्छे से लड़ना है, जिस भी माता को, जिस भी भगवान को, जिस भी प्रभु को आप मतलब मानते हो उनका नाम जपें, अपनी माँ का नाम जपें, आपको बहुत जल्दी से रिलीफ मिलेगा। ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि देखिए दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, माँ को या भगवान को याद करता है। तो जो भी माता रानी को आप मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, वो उस टाइम पर तो जरूर याद आते ही आता है और वो सपोर्ट भी आपको उस टाइम पे जरूर करता है, हर दुख सुख में वही खड़ा होता है। तो मैं अपनी स्टोरी चलो फिर शुरू करती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई। तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड में लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है ना थर्ड ट्राइमेस्टर में, मुझे जो डेट दी गई थी वो दी गई थी 16 मार्च 2022 की। मेरा बेटा 2 साल का हो जाएगा 2024 में, तो मुझे 16 मार्च की डेट दी थी। बट मेरा जो बेटा हुआ था वो 4 मार्च 2022 को हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। और मेरे जो तीन मेरे ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड हुए थे, तीनों में ही कभी 20 मार्च की डेट थी, कभी 16 मार्च की, और एक बार मुझे 10 मार्च की डेट दी गई थी। बट तीनों ही अल्ट्रासाउंड की जो डेट थी उस पर मेरा बेबी नहीं हुआ, उससे पहले ही हो गया। तो आप सब सोच रहे होंगे ये पहले कैसे हो गया और नॉर्मली कैसे हुआ, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मैं दोबारा से आपको शेयर कर दूंगी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है उसके लिए मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की थी, वो मैं आपको सारा डिटेल में उस वीडियो में बता दूंगी। तो अब लेबर रूम में कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, फेस, वो सारा हम शुरू करते हैं। तो मैं रात में सो गई थी, 3 तारीख की बात है, 3 मार्च की। मेरे बड़े बेटे के एग्जाम शुरू होने वाले थे 10 मार्च से। मुझे बहुत टेंशन थी कि 10 मार्च को अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको तैयारी नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा ना घर में किसी से पढ़ता नहीं है, घर में वो सिर्फ मेरे से ही डरता है, मेरे से ही पढ़ता है। तो मुझे ट्यूशन भी मैंने नहीं दी थी, मैंने सोचा था कि मैं खुद ही उसे पढ़ाई कराऊंगी और मैं ट्यूशन नहीं उसे लगवाऊंगी, क्योंकि अभी छोटा है, छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स पढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि बड़े ही ज्यादा क्लासेस होते हैं तब थोड़ी टेंशन होती है कि हाँ कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो छोटा था मेरा बेटा तो मैंने सोचा मैं खुद पढ़ाऊंगी, तो मुझे ये टेंशन थी कि मेरी डिलीवरी पहले हो, और ये भगवान ने पूरा किया कि मेरी डिलीवरी 10 तारीख से पहले हो गई थी। तो अब जब पेन मुझे कैसे आया, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो 3 तारीख को मैं रात में आराम से सो गई, कोई भी सिम्टम नहीं था एक दिन पहले, ना ही कोई पेन, ना ही कोई दर्द, कुछ भी नहीं था। मेरा यूट्यूब पे चैनल था, दूसरा चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प, पहले वो मेरा कुकिंग का चैनल था तो मैं कुकिंग की वीडियोज उसमें
डालती थी। तो मैंने अपनी वीडियो एडिट की क्योंकि मुझे पता था मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो मैं बहुत सारी रेसिपी बनाती थी। होली आने वाली थी तो होली की रेसिपी बहुत बना रही थी, पापड़, बहुत सारे पापड़ बनाए और अलग अलग सी मैंने रेसिपी बनाई ताकि जब डिलीवरी हो तो उस सवा महीना हमारे किचन में कोई जाता नहीं है, पूजा होने के बाद, बच्चे का नामकरण के बाद ही जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले ही वीडियो शूट रहेगी तो मुझे सिर्फ अपलोड करनी रहेगी, तो मैं सारी वीडियोज को पहले ही प्रिपेयर करके, वीडियो को अपलोड करके अनलिस्टेड में वीडियो को मैं डाल चुकी थी। तो एक दिन पहले रात में मैंने वीडियो को एक शूट किया था, तो मैंने वो एडिट किया और उसको मैंने अपलोड करके मैं सो गई। कोई भी दर्द नहीं, कोई भी पेन, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थी, घर का सारा काम करती थी, नॉर्मल खाना पीना सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी मुझे आइडिया भी नहीं था कि कल मेरी डिलीवरी हो जाएगी, सीरियसली। क्योंकि जो डिलीवरी होती है ना किसी को भी नहीं पता होता वो कब होगी। जरूर है कि देखिए ऑब्वियसली बात है अल्ट्रासाउंड में आपको डेट दी जाती है, एंडिंग डेट है, बट वो एंडिंग डेट पे बेटा हो बेटी हो ये कोई भी नहीं जानता, वो जो भगवान देगा ना जिस डेट पे उसी डेट पे होगा। मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे ये था कि 10 तारीख से पहले होगा या 10 तारीख के बाद भी हो सकता है। तो मैं उसी तरीके से अपनी पूरी तैयारी कर रही थी कि मेरे यूट्यूब पे वीडियो में जो मैं डालती हूँ उसमें मिस ना, वो अपलोडेड रहे, इसीलिए मैं पहले से ही 10-12 वीडियो शूट कर चुकी थी, उसी की एडिटिंग की और मैंने वीडियो को अपलोड किया और मैं सो गई। 2 बजे मेरी सुबह आँख खुलती है, रात के 2 बजे रात थी, तो मैं वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम से आती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में ना 9वें महीने में बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको यूरिन आएगा, ठीक से आप सो भी नहीं पाओगे, नींद भी प्रॉपर नहीं आती क्योंकि प्रॉब्लम होती है बार बार यूरिन आने की। क्योंकि 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आता है, बच्चा हेड डाउन करता है जिससे ना प्रेशर जाता है प्राइवेट पार्ट पे, और आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि प्राइवेट पार्ट पे भारी लग रहा है और यूरिन आ रहा है, और ये प्रॉब्लम रहती है। अब यूरिन करके आओगे ना फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद दोबारा से यूरिन आ रहा है, दोबारा से जाना है, तो ये सबके साथ है, मेरे साथ भी होता था। तो मैं यूरिन करके आई, मैं दोबारा से सो गई और उसके 1 घंटे के बाद मुझे फिर से ऐसा फील हुआ कि मुझे यूरिन आ रहा है। तो 3:15 हो रहे थे एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं है, 3 बजे की ऊपर की बात है, 3:15 की बात है। मैं दोबारा से यूरिन जाती हूँ और मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा मतलब यूरिन जा चुका होता था, मुझे ऐसा फील हुआ। तो बट वो मेरा वाटर बैग लीक हो चुका था, जो कहते हैं ना पानी की थैली होती है वो फट चुकी होती है, तो इतना सारा पानी लीक हुआ। मैं वॉशरूम गई, यूरिन किया और यूरिन करके आई तो देखा मेरे जिस बेड पे मैं थी वो सारा गीला था। मुझे खुद को फील हुआ कि मेरी जो लोअर है वो पूरी गीली हो चुकी है, क्यों पूरा बेड गीला हो चुका था। तो मुझे पूरा आइडिया हो गया कि मेरा वाटर बैग लीक हो चुका है, क्योंकि बड़े बेटे के टाइम पर भी मेरी पानी की थैली पहली फट गई थी, वाटर बैग लीक हो चुका था। तो सेकंड टाइम में मुझे डर ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम पे मैं थोड़ा डर गई थी कि ये क्या हुआ, बट छोटे बेटे के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी वो डर ही नहीं मैं, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये यूरिन नहीं है, एकदम से बहुत सारा पानी जा रहा है तो वाटर बैग लीक हो चुका है। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी नाइट शिफ्ट थी, मैं अपने बेटे के साथ सो रही थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी थे, और जब मैंने देखा मेरा वाटर बैग लीक हो चुका है तो मैं डर गई कि ये क्या हुआ। 3:15 बजे की बात है, तो मैं दोबारा जाती हूँ वॉशरूम, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, बेडशीट को चेंज करती हूँ, इतनी मेरे अंदर हिम्मत थी क्योंकि मुझे उस टाइम पे पेन नहीं था, मुझे ये सिर्फ वाटर बैग लीक था, कोई भी सिम्टम और नहीं था कि मेरी कमर में दर्द है या बहुत ज़्यादा लेबर पेन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर बैग लीक हुआ था। मैंने अपने बेटे को उठाया, बोला कि एक मिनट मुझे चादर चेंज करनी है, मुझे ये था कि मुझे तो हॉस्पिटल जाना होगा और डिलीवरी हो जाएगी तो मैं ये बेडशीट चेंज कर दूँ। मैंने बेडशीट को चेंज किया, दूसरी बेडशीट बिछाई, क्योंकि मैंने अपनी बेडशीट के नीचे ना एक, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था तो मुझे ये होता कई बार बच्चा वॉशरूम बाथरूम कर देता है तो बेडशीट गद्दे जो होते गंदे हो जाते, तो मैं एक वाटर प्रूफ शीट आती है वो बिछा रखी थी तो गद्दे गंदे नहीं हुए, तो मैंने वो शीट को भी उठाया, चादर दूसरी बिछा दी। और उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद देन मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हूँ, घर में उनको बोलती कि मेरे साथ मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है अब क्या करें। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अब डॉक्टर को फोन करते हैं, तो डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर से राय ली, डॉक्टर ने बोला टाइम वेस्ट मत करो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ और आपकी डिलीवरी कितनी भी जल्दी हो सकती है तो देर बिल्कुल नहीं करनी है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ऑफिस थे तो हमने कहा हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि घर में और कोई नहीं था, मेरे फादर इन लॉ थे, हस्बैंड मेरे ऑफिस थे, तो मैंने कहा अगर हस्बैंड को इस टाइम पे बताया फोन करके तो थोड़ा डर जाएंगे, बट घर में और कोई नहीं था तो बताना पड़ा उन्हें। फिर हमने फोन किया कि ऐसे ऐसे दिव्या की तबीयत खराब हुई है, मम्मा ने बोला कि जल्दी से घर आ जाओ, तो मेरे हस्बैंड नियर अबाउट 1/2 घंटे के बाद वो घर आ चुके, क्योंकि जो ऑफिस और घर का हमारा एरिया है 1/2 घंटा लगता ही है, तो हमने बोला आराम से आओ, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लेबर पेन नहीं था, बस ये था कि वाटर बैग लीक हो चुका है तो मैं जल्दी डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि डॉक्टर्स का हमने नंबर ले रखा था, तो डॉक्टर ने बोला परेशान नहीं होना सीधा आप हॉस्पिटल आ जाओ, हमने पहले से 3-4 हॉस्पिटल ना देख रखे थे कि हम डिलीवरी कहाँ कराएंगे। तो जब डॉक्टर से बात हुई और हस्बैंड से बात हुई मुझे फिर ये था कि मेरा बैग पैक है, मैंने सारा बैग
पहले ही 1 मार्च भी पैक कर लिया था। जब मेरा 9वां महीना स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने अपना बैग रेडी रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कोई आइडिया नहीं है, कई बार लेट भी हो जाता, कई बार पहले भी। तो मेरा बैग, बच्चे का बैग, बच्चे के सारे कपड़े मैंने वॉश करके रखे हुए थे, बच्चे का टावल, बच्चे की नैपी, सब कुछ मैंने पहले से रेडी किया हुआ था। अपने कपड़े भी पहले से रेडी किए हुए थे कि क्या क्या पाना है, टोपी, सॉक्स, सभी कुछ रेडी था, बस डॉक्यूमेंट थे। मैंने फटाफट डॉक्यूमेंट भी डाले अपने हस्बैंड के आने से पहले। जब तक मेरे हस्बैंड आया ना, सब कुछ रेडी था। सिर्फ मम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी कि एनर्जी चाहिए और ऐसे खाली पेट बहू को बाहर नहीं जाना चाहिए इस हाल में, तो मुझे थोड़ी सी चाय दी। मेरा मन नहीं था पीने का, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी चाय पी और एक रस खाया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि पेन नहीं था। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे चेक किया कि बच्चेदानी का मुंह कितना ओपन है और कितनी देर में डिलीवरी होगी। तो जब मैं मुझे चेक किया, डॉक्टर ने कहता ना दर्द लगवाते हैं तो हाथ डाल के वो चेक करते हैं, ये सबके साथ होगा, इसमें शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, सबके साथ होगा, क्योंकि जब डिलीवरी होगी तो ऑब्वियसली बात है इस शर्म से आपको हटना है। फर्स्ट जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए खासकर वीडियो है। तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि आपको 1-2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। मुझे ये था कि मुझे पेन तो है नहीं, तो डिलीवरी 1-2 घंटे में कैसे होगी। तो जब डॉक्टर ने मतलब जब चेक किया, तो वो कहते हैं ना अपने आप दर्द लगवाते हैं, तो उन्होंने दर्द लगाया, उन्होंने चेक किया फिंगर से, जब वो चेक करते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में, तो उन्होंने पेन लगवाया और उसके बाद 10 मिनट के बाद ही मुझे पेन आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है पूरा पेट साफ हो जाता है, पोटी आ जाती है आपको, और वॉशरूम पोटी आप जाए आओगे, डॉक्टर बोलेंगे आप जाके आओ, फ्रेश होके आ जाओ। तो मुझे जब इंजेक्शन दिया तो मैं फ्रेश होकर आई और डॉक्टर ने बोला कि अब आपको लेवर पेन आएंगे, क्योंकि लेवर पेन लगा चुके थे, वो चेक कर चुके थे कितना बच्चेदानी का मुंह ओपन है। जब तक 10 सेंटीमीटर मुंह ओपन नहीं होता तब तक डिलीवरी नहीं होती। तो डॉक्टर ने चेक किया तो थोड़ा सा फर्क था कि मतलब अभी प्रॉपर वे में 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह नहीं ओपन था। तो उन्होंने अंदर कोशिश की, पेन मतलब पेन दिलवाया, और जब उन्होंने चेक किया ना, मुझे हल्का सा पेन तभी होने लगा, मेरे कमर से पेन शुरू था और पेट में इतनी जोर की पेन होना शुरू हुआ, जैसे पीरियड्स वाला पेन होता है ना, वही सेम पेन आना शुरू हुआ, और बहुत ज़्यादा वो पेनफुल था टाइम, और बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। बट ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपको डर जाना है उस पेन से, आपको लड़ना है, अच्छे से पेन लेना है, उसमें अगर आप हार मान गए तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। देखो कईयों के साथ ऐसा होता है कि 2-2 दिन वो पेन में रहते हैं, उसके बाद डिलीवरी होती है। बट मैं देखिए 5 बजे हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और मेरा जो बेटा हुआ है वो 2:40 में मेरा बेटा हुआ है, तो मैं इतने लॉन्ग टाइम तक पेन में थी। जब मुझे डॉक्टर ने चेक किया, मैं वॉशरूम से आई, तो मेरे उन्होंने ग्लूकोज लगा दिया और उस ग्लूकोज में एक इंजेक्शन डाला जाता है जिससे दर्द आए। तो जब वो ग्लूकोज लग गया तो मेरा पेन अपने आप इतनी जोर जल्दी जल्दी आना शुरू हुआ। कहते हैं ना जल्दी पेन क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में आए, आधे घंटे के बाद आए, जैसे स्टार्टिंग में आपको 1 घंटे में पेन आएगा, फिर आधे आधे घंटे में हो जाएगा, फिर 15-15 मिनट में, फिर 20-20 मिनट में, मतलब टाइम पीरियड कम होता जाएगा दर्द का। तो जितना कम होता रहेगा उतना ही स्कोप बढ़ जाएगा कि अब डिलीवरी होने वाली है। तो मेरे साथ ऐसे ही था, डॉक्टर चेक करते थे आके बोलते थे 2 घंटे में हो जाएगी, 3 घंटे में हो जाएगी, बट मुझे पेन हो रहा था और मुझे डिलीवरी नहीं हो रही थी। मुझे ये टेंशन थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पेन तो मुझे लगातार आ रहे हैं बट बेबी क्यों नहीं हो रहा है। और ये जब आपको कौन से पेन से पता लगेगा कि अब डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर कहेंगे ऐसा लगेगा जब आपको पोटी आ रही है तो आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो आपको यही साइन याद रखना है। तो मुझे भी डॉक्टर ने बोला जब आपको जोर पड़े कि पोटी आ रही है तो आपने बता देना, सीधा आपको लेबर रूम में लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ओके। मेरे उस टाइम पे मेरे साथ मेरी दीदी थे, मेरी ननद, मेरे बड़े ननद, वो मेरे साथ थे पूरे टाइम। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई तब तक वो वॉशरूम नहीं गए, 5 बजे से मेरे साथ वो खड़े थे। और मैं कभी लेटूं कभी मैं बैठूं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था जब लेबर पेन है तो कभी भी बैठना नहीं है, लेबर पेन चलते फिरते लोगे तो बहुत जल्दी बच्चा हो जाएगा आपका। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप सोने की कोशिश करोगे तो दर्द भी सो जाएंगे, क्योंकि बच्चा दर्द से ही होगा, जितना दर्द आएगा उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी होगी। तो मुझे ये बात याद थी और मुझसे लेटे दर्द लिया भी नहीं जा रहा था। अगर लेट के दर्द लोगे ना तो इतना ज्यादा पेनफुल होता है वो टाइम कि वो सहा नहीं जाता। तो थोड़ा सा मैं कभी खड़ी होती थी, कभी बेड को पकड़ के पेन लेती थी, कभी खड़ी होने पे चल चल के पेन लेती थी, तो मैं ऐसे लेती थी पेन। और मैं जब उन पेन में ना मुझे इतना ज्यादा वॉशरूम आता था कि 5-5 मिनट के बाद मैं वॉशरूम जा रही हूँ, 5-5 मिनट के बाद वॉशरूम जा रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे वॉशरूम आता था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ रहा है और आपके यूट्रस पे जोर पड़ रहा है, तो ये आपको फेस करना होगा। तो मेरे बड़े बेटे के टाइम पर भी सेम यही था कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, बार बार वॉशरूम ऐसा लग रहा था कि मैं करके आई हूँ बट अभी साफ नहीं हुआ, दोबारा से जाऊंगी वॉशरूम। तो ये सीन मेरे साथ बहुत हुआ। बड़े बेटे के टाइम पर भी यह था, वाटर बैग लीक हो चुका था रात के 2 बजे, सेम मेरे साथ। तो जो दोनों ही स्टोरी है ना डिलीवरी की सेम ही है, बट मेरा जो बड़ा बेटा है वो मैं रात में 3 बजे एडमिट हो गई थी और डिलीवरी मेरी 5:30 बजे हुई। छोटे बेटे के टाइम पे मैं एडमिट हुई थी 5 बजे, मैं 5:15 बजे घर से चली गई थी और मेरी डिलीवरी 2:40 पे हुई।
इतने टाइम पर मैं लेबर पेन में थी, मैंने पूरा पेन महसूस किया। मुझे यह था कि 11 बजे डिलीवरी होगी, फिर मुझे था 12 बजे डिलीवरी होगी, फिर मुझे यह था 1 बजे हो जाएगी। बट जैसे जैसे टाइम बीते जाए, सामने वॉच लगी थी, मैं उस घड़ी को देखूं और बार बार मम्मी को कहूं, दीदी को कहूं कि मेरी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, मैं हस्बैंड को देखूं तो मुझे रोना आ जा रहा था। इतना पेन, बहुत ज्यादा पेन था। बट उस पेन में ये होता है, जब पेन में होते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता, बस ये होता है कि मुझे इस पेन से राहत मिल जाए, जल्दी से बेबी आ जाए, चाहे कुछ भी हो, लड़का या लड़की, मुझे पेन से आराम आ जाए। तो जब मुझे 2 बजे डॉक्टर चेक करने आए ना, तो लंच होने वाला था, डॉक्टर बोलते कि आपको पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका सीन है, कि मतलब कितना टाइम पीरियड है अभी डिलीवरी में, क्योंकि मुझे तो बोला गया था जब एडमिट किया था कि 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, 2 से 3 घंटे में। बट मेरी कंडीशन इतनी पेनफुल में थी, मेरी डिलीवरी नहीं हो रही थी, मुझे भी थोड़ा डर था कि पेन हो रहे हैं बट डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने बोला कि कई बार ना बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है, उस करके भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन तो कर रहा है बट पूरा उसने हेड डाउन नहीं किया है, जब तक बच्चे का पूरा सर नीचे नहीं आता तो बच्चा डिलीवर नहीं होगा। बच्चेदानी का मुंह तो मेरा ओपन था, पानी की थैली भी फट गई थी, क्योंकि पानी की थैली कई बार सबकी नहीं फटती, डॉक्टर उसे फाड़ते हैं, बट मेरी पानी की थैली भी फट गई थी और पेन भी बहुत आ रहे थे बट डिलीवरी नहीं हो रही थी। मुझे यही टेंशन थी कि डिलीवरी हो क्यों नहीं रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर बोलते थोड़ा दर्द लो, जब एकदम से पॉटी वाला आपको जोर आएगा तो मुझे आप बताइएगा। तो मुझे यही वेट था, 1 बज गए तो मेरा दिमाग इतना ज्यादा वो हो गया कि अब डिलीवरी हो नहीं रही, क्या होगा। 2 बजे डॉक्टर आते हैं, मुझे चेक करते हैं और बोलते हैं कि आपका पूरा बच्चेदानी का मुंह ओपन है, अब आपको लेबर रूम में लेके जाया जाएगा। और मैं उस टाइम पे डर जाती हूँ, ये क्या हुआ। मुझे ये था कि अभी तक मुझे पॉटी का जोर आ नहीं रहा है, मुझे ये जल्दी से लेके भी जा ले लेबर रूम में, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा डर गई थी, ज्यादा नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, डरोगे तो मरोगे, तो डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, है ना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आपने कभी लेबर रूम नहीं देखा तो आप गूगल पे सर्च करके फोटो देख सकते हो, ताकि आप जब जाओ लेबर रूम में ना, तो आपको ज्यादा फेस, ज्यादा मतलब डरावना फेस बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको डर डूर कुछ नजर नहीं आएगा, उस टाइम पे ये होगा मुझे पेन से आराम आ जाए। तो जब मुझे लेबर रूम में लेकर गए तो मेरे पैरों को अच्छे से बांध दिया, एक हाथ को बांध दिया, एक हाथ सिर्फ खाली था मेरा, और मुझे उन्होंने चेक किया। इनके पास अब तो बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास मीटर्स होते हैं, देखते कितने तक बेबी का हेड आ चुका है, कितने मीटर सेंटीमीटर आपका बच्चेदानी का मुंह ओपन है। और जब आपको पेन आएगा ना, तो डॉक्टर को उस एक होती है मशीन जिसमें पता लग जाएगा पेन आ रहा है, इसी पेन पे आपको जोर लगाना है, पुश करना है। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि अब आप पुश करो। तो मैं जब पुश करती हूँ ना, तो मैं उस टाइम पे बहुत जोर की जोर लगाती हूँ, तो थोड़ा सा बेबी हेड डाउन, मतलब बच्चा थोड़ा सा बाहर आ जाता है, और उसके बाद मैं थक जाती हूँ एकदम से, क्योंकि मुझे इतनी देर से लेबर पेन आ रहे थे, इतनी देर से मैं लेबर पेन में थी, कुछ भी नहीं खाया था, सुबह वही 5:15 बजे का थोड़ी सी चाय पी थी, एक रस खाया था, तो मुझे इतनी ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी, बहुत ज्यादा। मुझे ये था कि मैं थक चुकी हूँ, मेरे से पुश नहीं होगा। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि पुश करो। फिर से मैं अगेन इतनी मेहनत से जोर लगाती हूँ, और उस टाइम पे ना बेबी का सर बाहर आ जाता है, और मुझे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया जन्नत हो गई है। तो मुझे डॉक्टर बोलते हैं फिर से अगेन एक बार जोर लगाना है, वरना बच्चे का सर फंस जाएगा और प्रॉब्लम हो सकती है। बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी खुद को, बट डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज लगाया था, तो मुझे थोड़ी सी उसमें एनर्जी लेवल था, तो मैंने दोबारा से पुश किया। पुश आपको कैसे करना, जैसे पॉटी का जोर लगाते उसी तरीके से पुश करना है, और पुश किया, और उसके 1-2 मिनट के बाद ही बेबी आ गया बाहर। और जब बेबी बाहर आ गया तो इतना पेट में आराम मिला, रिलैक्स मिला, कि बहुत ज्यादा सारे दर्द माँ फिर भूल जाते हैं जब बेबी हो जाता है। और जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी ना, तो ये था कि बस मुझे बच्चा दिखा दो, मेरे क्या हुआ है, बस मुझे यही क्यूरियोसिटी थी जानने की कि दिखा दो लड़की है, क्योंकि मुझे लड़की का बहुत शौक था कि शायद लड़की है। बट मुझे डॉक्टर ने उस टाइम पे नहीं बताया, डॉक्टर ले गए बेबी को, अच्छे से साफ किया, अच्छे से उसके जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाए, उसको कपड़े पहनाए, और बाहर तो बता दिया होगा, मुझे ये था कि बाहर बता दे क्या हुआ, मुझे भी तो कोई बता दे क्या हुआ। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है माँ का प्रोसीजर स्टिचेस का। देखिए जहाँ इतना पेन सह लिया और स्टिचेस में तो कितना टाइम लगेगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सुन वाला टीका लगाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे स्टिचेस किए, और उसके बाद 3 बजे के अराउंड मुझे बाहर निकाला लेबर रूम से। और जब लेबर रूम से मुझे बाहर लेकर गए, जाने लगे, उससे बाद मैंने नर्स से पूछा मेरे क्या हुआ है ये तो बता दो, तो उन्होंने बोला आपके बेटा हुआ है। तो बस मैंने फिर जय माता की बोला, जय लक्ष्मी माता, और बस मुझे ये था कि माता रानी आपने ठीक ठाक करा दिया, हेल्दी लाइफ देना मेरे बच्चे की, और अच्छी से अच्छी दुआएं देना आप सब भी मेरे बच्चे को। बस मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद जब मुझे शिफ्ट किया, तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का फेस देख के मुझे आंसू आ गए, क्योंकि इतने पेन में सिर्फ मैं उनको ही देख रही थी, कि इतना पेन, बहुत ज़्यादा पेन के बाद जब बेबी मिलता है तो वो सारे पेन माँ भूल जाती है, तो मैं भी भूल गई। और स्टिचेस के बाद मुझे शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय लेकर आए। आपको वो व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं व्लॉग भी शेयर करूंगी वो आपके साथ। तो बहुत अच्छा वो मोमेंट था। और जब मैं अंदर अपने रूम में मुझे शिफ्ट किया और मुझे जब बेबी हाथ में दिया, तो मैं अपने बच्चे को लेकर
कोई भी पेन मुझे रहा नहीं, ना ही स्टिचेस का पेन लगा, ना ही मुझे जो लेवर पेन, इतना मैंने इतने लॉन्ग टाइम तक 10 घंटे दर्द सहा, वो सब मैं भूल चुकी थी। क्योंकि माँ का जो वो एक दर्जा है ना, वो शायद भगवान ने इसीलिए माँ को ये दर्द दिया है, क्योंकि माँ बहुत जल्दी से भूल जाती है। तो ये थी मेरी आज की लेबर पेन की स्टोरी। और ये जो 10 घंटे मैंने लेबर पेन में रहे, ये सबके साथ हो सकता है, और कईयों के साथ 2-3 घंटे में डिलीवरी हो सकती है, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, बट मुझे 10 घंटे ये पेन रहा। और उसके बाद जब बेबी आया, तो वो 10 घंटे का दर्द मैं 2 मिनट में, 1 सेकंड में भूल गई, जब मुझे बेबी को हाथ में दिया। तो आप सबके साथ भी ऐसे ही होगा, आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ उस टाइम पे अपने भगवान को, अपनी मम्मी को याद करना है, वो दर्द से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। और दर्द से बिल्कुल लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ोगे तो आप जीत हासिल करोगे, और जहां आप डरे वहां आप कमजोर पड़ जाओगे, और कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ना है। सिर्फ मैं आपसे यही कहूंगी, अच्छी अच्छी डाइट फॉलो करनी है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है, ब्लड अपना पूरा रखना है, ब्लड पूरा रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे, पानी पियोगे तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। तो और सारे ब्लॉग मेरे चैनल पे आपने देखे होंगे, मैंने अपने बेबी के रूटीन, मतलब पूरे डे की रूटीन भी शेयर करी है, कैसे मालिश करनी है, कैसे मसाज करनी है, तो सारा मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन सा मंथ चल रहा है ये भी बताइएगा, और मेरी लेबर पेन की स्टोरी कैसी थी ये भी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी है, तो वीडियो तो ऑब्वियसली लंबी होगी। तो और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।